नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन द 200 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ में। ये हमारा आज पार्ट वन सीरीज़ में जाएगा एंड यहाँ पर हम आपके साथ मुखातिब होंगे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फीट। सो अ वार्म वेलकम एवरीवन टू द पर्टिकुलर सेशन। सुबह बिकॉज ऑफ माय एंकल स्प्रेन मैं नहीं आ पाया, पर अब मैं आ गया हूँ। तो चलिए, आप जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, शेयर इट ऑन टेलीग्राम, शेयर इट ऑन फेसबुक, ताकि इस वीडियो की रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं, देरी किस बात की है, एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। एंड ये रहा आपके सामने हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 200 बेस्ट एमसीक्यू फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी महीने के जो 200 सबसे बेहतरीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, फॉर ऑल एग्जाम्स इंक्लूडिंग बैंक, एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी, उनके लिए सवाल आपके सामने है। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, द 13th इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस पेट्रोटेक 2019 गॉट अंडर वे एट द इंडिया एक्सपो मार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। इनमें से कौन से शहर में आपका जो 13वां अंतर्राष्ट्रीय ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस है पेट्रोटेक, दोस्तों वो आपका हुआ, एंड इसका जवाब आपको देना है। याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस पे सवाल ना सिर्फ आपके बैंक में आता है बल्कि आपके एसएससी में भी इस पे सवाल आते हैं। एंड द आंसर हियर गाइस इज, इट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर आपका हुआ द 13th इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था पेट्रोटेक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस वॉज कोलैबोरेटिंग फॉर सस्टेनेबल एंड सिक्योर एनर्जी एक्सेस फॉर ऑल। ये दोस्तों इस बार इसका थीम था, तो थीम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, दैट वॉज द थीम ऑफ द पेट्रोटेक। आफ्टर एवरी 10th क्वेश्चन आई विल आस्क यू फॉर योर स्कोर कार्ड, एंड अगर आपका 10 में 10 सही है या 10 में आपका 8 सही है, देन यू आर डूइंग अ प्रिटी गुड डैम जॉब। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट कोच फॉर ऑस्ट्रेलियाज क्रिकेट टीम फॉर द 2019 वर्ल्ड कप। इनमें से वो कौन मशहूर खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिन्हें आने वाले आगामी 2019 के वर्ल्ड कप के लिए ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट कोच, सहायक कोच के तौर पर उन्हें बनाया गया है। एंड द आंसर इज, इसका आंसर आपके सामने है ऑप्शन ए, दैट इज़ रिकी पोंटिंग। रिकी पोंटिंग वो खिलाड़ी हैं जिनको कि ये खिताब दोस्तों यहाँ पर दिया गया। ये नाम आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, उससे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि इनसे पहले रिकी पोंटिंग की जगह आपके डेविड सैकर यहाँ पर ही वॉज दी असिस्टेंट कोच, एंड आफ्टर ही रेजिग्नेशन यहाँ पर अब रिकी पोंटिंग जो हैं ही हैज़ बीन अपॉइंटेड द कोच ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम। ये नाम आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही मशहूर खिलाड़ी भी हैं, एंड ही हैज़ ऑल्सो बिकम द असिस्टेंट कोच ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम। सवाल मेरे आपसे यहाँ पर एक और होगा कि हु इज़ द करंट कोच ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम के करंट कोच कौन है, इसका जवाब भी आपको कमेंट्स में देना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दे फतेह अल सीसी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एट द कॉन्टिनेंटल बॉडी समिट इट वॉज हेल्ड इन। सवाल बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, इनको चुना गया है अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष। सवाल मेरा आपसे है कि ये जो आपका एक समिट था, ये समिट आपका इनमें से कहाँ पर हुआ, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रवांडा, इथियोपिया या फिर सूडान। एंड द आंसर इज, इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ इथियोपिया। इथियोपिया में दोस्तों आपका ये समिट हुआ। इजिप्ट का करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, इसका भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों ये जो आपका एक कॉन्फ्रेंस है, दिस बेसिकली हैज़ अ वन ईयर चेयरमैनशिप, मतलब हर साल इसके नए चेयरमैन बदलते हैं। द अफ्रीकन यूनियन कंसिस्ट ऑफ 55 कंट्रीज से मिलकर आपका ये बनता है, और 2001 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई, सो 2001 में इट वॉज स्टार्टेड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, Which of the following frontline warship of the Indian Navy participated in the multinational training exercise Cut Class Express 2019? इनमें से कौन सी आपकी एक वॉरशिप है भारतीय नौसेना की जिसने कि Cut Class Express 2019 में दोस्तों पार्टिसिपेट किया? आपके सामने पांच ऑप्शन भी हैं, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ INS त्रिकंड। दिस वॉज द शिप दैट पार्टिसिपेटेड इन Cut Class Express 2019। नाउ गाइज, ये एक्सरसाइज जो आपकी है, इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द US Africa Command, एंड इसको हर साल आपका कराया जाता है बाय द नेवल फोर्सेज ऑफ अफ्रीका। दिस इज़ द बॉडी विच कंडक्ट्स द एक्सरसाइज ऑन एन एनुअल बेसिस, एंड वहाँ पर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल,
PM Narendra Modi dedicated Vishakhapatnam Strategic Petroleum Reserve Facility at the Guntur plant in Andhra Pradesh and इसकी capacity दोस्तों कितनी है अभी हाल ही में देखो छः लोगों ने dislike किया है पता नहीं क्यों dislike करते हैं करीब 300 लोग देख रहे हैं शो को तो भाई 300 लोग तो like करें यानी जो छः लोग हैं जिनको पता नहीं क्या दिक्कत है वो प्लीज़ मेरे को मेल करें बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस शो पर जीरो लाइक्स पाएँ ठीक है सो प्लीज़ वो जो लोग हैं वो मुझे बिल्कुल मेल करें कि उनको एक्चुअली में दिक्कत क्या है चलिए आगे बढ़ते हैं इसका आंसर दिखा देते हैं इसका जो आंसर आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ 1.33 मिलियन मेट्रिक टन इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगा सेशन के एंड में उसका पीडीएफ के लिए मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा वहां पर जाके आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आगे बढ़ते हैं ले चलते हैं आपको अगले सवाल पर Which of the following cities judicial department has decided to include Hindi as a third official language used in courts alongside Arabic and English? इनमें से किस शहर का जो एक विभाग है जो एक न्याय विभाग है उसने कहा है कि हिंदी को वो अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के तौर पर यूज़ करेगा उस सिटी का दोस्तों नाम क्या है एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन डी दैट इज़ अबू धाबी अबू धाबी वो दोस्तों वो शहर है जिसका जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है वो उसने डिसाइड किया है हिंदी को एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इन इट्स कोर्ट्स ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट सवाल पर आते हैं ये रहा आपके सामने Aegis Graham Bell Award 2018 announced Dash as the winner of the innovation of e-innovation in the data science category. इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसको कि Aegis Graham Bell Award दिया गया है for their innovation in data science, how to analyze future prospects, how to analyze customers present and also in the future. सवाल मेरा आपसे है कि अनाउंस किस पर्टिकुलर बैंक के लिए किया गया है दैट इज़ माई क्वेश्चन एंड इसका जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन ए That is Yes Bank के साथ ये कहा गया है That has been done for Yes Bank. Next सवाल पे आते हैं. Reserve Bank of India has decided to treat deposits to over dash as bulk deposits as they increase the limit for the same from the earlier dash. एक word यहाँ पर दोस्तों है and that word is bulk. तो पहले तो इसका answer है कि पहले अब जो आपका bulk deposits है वो 2 crore है and earlier आपका 1 crore था मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट है एंड वो आपकी लिमिट उसमें 2 crore से ज़्यादा पड़े हैं तो इसे हम बल्क डिपॉजिट कहेंगे एंड दिस विल बी वेरी सेंसिटिव टू द बैंकिंग टू द कंसर्न बैंक एंड इस पे वो आपको स्पेशल ऑफर्स या इस पे प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको प्रोवाइड वो कर सकता है सो ओवरऑल इट विल बिकम अ क्रिटिकल सॉर्ट ऑफ अकाउंट फॉर द बैंक ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 350 लोग हैं मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को शेयर करें आई अगेन रिपीट गाइस द वीडियो विल फोकस ऑन द टॉप 200 क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुअरी तो अभी 350 लोग देख रहे हैं इसको कम से कम 1000 लोग देखें बिकॉज इट विल बेनिफिट ईच एंड एवरी वन फॉर एवरी एग्जामिनेशन वेदर इट इज़ SSC बैंक रेलवेज और UPSC तो मैं चाहूँगा इसको मैक्सिमम लोग शेयर करें अधिक से अधिक प्लीज़ शेयर इट टू ऑन योर सोशल मीडिया एंड ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप चल नेक्स्ट सवाल पर आते हैं ये रहा आपके सामने The 5-day multinational maritime exercise Aman 19, in which 46 nations participated from all over the world, was held at which of the following place? इनमें से किस शहर में आपका 5 दिवसीय जो एक बहुराष्ट्रीय maritime exercise है Aman 19 वो आपका हुआ आपके सामने देखिए 5 ऑप्शन भी हैं एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ कराची कराची में दोस्तों आपका ये हुआ इसका नाम था AMAN दैट इज़ Aman 19 नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों ये जो आपका Aman 19 है इसमें करीब 46 नेशंस ने दोस्तों पार्टिसिपेट किया एंड इट कमेंस्ड एट दी पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड इन कराची एंड वहाँ पर इसकी शुरुआत दोस्तों की गई चलिए आगे बढ़ते हैं पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको पीडीएफ शैल बी प्रोवाइडेड वंस द शो गेट्स ओवर ठीक है चलिए आगे बढ़ें और ले चलें आपको अगले सवाल पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी इज सेटअप with a motive to forecast and monitor cloudburst incidents in the Himalayan region and help to minimize the damage. इनमें से किस शहर में उत्तराखंड के किस ज़िले में एक हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है जिससे कि जो एक डैमेजेस हैं इन टर्म ड्यू टू क्लाइमेट ड्यू टू फोकास्टिंग ऑफ क्लाउडबर्स्ट जो जिसे हम लैंडस्लाइड भी जिसे हो सकती है तो सवाल है कि कहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी आपकी बनाई गई है
एंड दी आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी दैट इज़ टेहरी गढ़वाल, यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड मेरे को देखो बहुत लोग आंसर्स भी गए हैं, सौरभ ददीच, देन वी हैव सुमंता बिंसल, देन वी हैव राहुल शाह, सबके सब यहाँ पर इसका सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन अनाउंस डैश एज द मैस्कॉट ऑफ द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज टू बी हेल्ड इन 2020। इनमें से किसे 13वें जो आपकी कॉन्फ्रेंस है माइग्रेटरी स्पेशीज़ के संरक्षण के लिए जो 2020 में होगी उसका शुभंकर घोषित किया गया है। आपके सामने देखिए पांच ऑप्शन भी हैं, आपको याद रखना है कि इनमें से वो इंडिया का बहुत ही एक फेमस आपका एक एक एक, एक आपका फौना में आता है। तो यहाँ जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन डी दैट इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अच्छा 10 सवाल दोस्तों हो गए हैं, आउट ऑफ 10 व्हाट इज़ योर स्कोर कार्ड। 10 में से अगर आपके 8 सही हैं यू आर सुपर, अगर 9 सही है यू आर सुपर से भी ऊपर, एंड अगर आपके 10/10 सही है देन यू आर सुपर से भी सुपर डुपर। ऑल राइट, सो दैट इज़ अ गुड साइन कि कुछ लोग के 8 तो सही हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ 3-ईयर एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट ऑफ गुजरात, व्हाट इज़ द अमाउंट द मिनिस्ट्री हैज़ एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट। कितने अमाउंट का, कितने राशि का आपका जो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसको सरकार ने बनाया है, जिससे कि जो एक सहायता है कंजर्व करने की, संरक्षित करने की एशियाटिक लायन को, उसको और बेहतरी हो सके। आपके सामने देखिए पाँच ऑप्शन भी हैं, 79 है, 59 करोड़ है, 90 करोड़ है, 110 करोड़ है, या फिर आपका 45 करोड़ है। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर अमाउंट गाइस, ये मेरा आपसे यहां पर सवाल है। एंड इसका आंसर आपके सामने है ऑप्शन बी दैट इज रुपीज 59 करोड़, 59 करोड़ रुपए जो हैं वो लगाए गए हैं एशियाटिक लायन के लिए। यू विल बी अमेज्ड बट एशियाटिक लायन इज़ वन ऑफ द एक्सक्लूसिव स्पीशीज दैट इज़ फाउंड प्राइमरीली इन इंडिया। इंडिया उन चंद देशों में से या इंडिया वो सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर ऐसा लायन, ऐसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल लायन दोस्तों पाया जाता है, दैट इज़ द एशियाटिक लायन। ये कई जैसे कि आपका गिर में ये आपका पाया जाता है, एंड उसी वजह से दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम हैज़ बिन डन। प्रशांत भी कह रहे हैं भाई वीडियो को लाइक कर दो, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं भी करना है मत करो, प्लस प्लीज़ वीडियो को शेयर करो अपने व्हाट्सएप पे, अपने सोशल मीडिया, बिकॉज दिस इज़ 100 MCQ जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं एग्ज़ाम के तौर पर। वैसे तो आप जैसे वैसे ही रहेंगे, पर एग्ज़ाम के तौर पर दे कैन बेसिकली चेंज योर मार्क्स फॉर जनरल अवेयरनेस। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। Who among the following has clinched the Chennai Open ATP Challenger Tournament after beating Andrew Harris of Australia in the singles final in tennis? Now, दोस्तों ये important India के लिए है, because it is one of the only ATP Challenger Tournament that happens in India. That is the Chennai Open. तो सवाल मेरा आपसे है कि किसने इस Chennai Open को जीता है, and इसका answer आपके सामने है, that is option A, that is Corentin Motet. Now guys, Corentin Motet is basically from France and he defeated Andrew Harris of Australia and this is his second Challenger title by winning the Chennai Open. ठीक है, इसका second यहाँ पर title है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे हमारे अगले सवाल पे, जो कि ये रहा आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग हैव विल बी अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द अकेडमी ऑफ कनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन। इनमें से वो कौन से भारतीय डायरेक्टर, भारतीय इकोनॉमिस्ट या भारतीय सेलिब्रिटी हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा बाय द अकेडमी ऑफ टेलीविजन। ये सवाल मेरा आपसे है, आपके सामने देखिए ऑप्शन भी हैं, विनोद खोसला, पैन नालिन। सवाल बहुत ही सिंपल से हैं, किनको ये दोस्तों अवार्ड दिया गया है, एंड द आंसर गाइज हियर इज इट इज़ ऑप्शन ई दैट इज़ दीपा मेहता। अंकिता, येस द फाइनेंशियल अवेयरनेस विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल से हम फाइनेंशियल मार्केट एंड इंश्योरेंस मार्केट को क्लास शुरू कर देंगे, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। शी वॉज अवार्डेड बिकॉज ऑफ हर ट्रिलॉजी ऑफ मूवीज़। इन मूवीज़ में आपकी जो फेमस मूवीज़ हैं वो हैं फायर, अर्थ एंड वाटर। इन मूवीज़ की वजह से इन्हें ये अवार्ड दीपा मेहता जी को अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
Which of the following country has signed an MOU with Engineers India Limited for project management consultancy for oil refinery? इनमें से किस देश ने भारतीय कंपनी Engineers India के साथ एक कर जोड़ किया है जिसके तहत they will provide consultancy for project management of oil refineries? कौन सा दोस्तों आपका वो देश है? And the answer of this question is, it is option C, that is Mongolia. Mongolia के साथ ये agreement India की Engineers India ने दोस्तों किया. एक बार जरा वॉल्यूम को चेक कर लें, कई लोग वॉल्यूम का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वॉल्यूम हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो एक बढ़ा के देख सकते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूएन एंड डैश. इनमें से किस देश के साथ मिलकर यूएन ने अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू किया? देखिए यूएस की चांसेस कम है, फिर भी हो सकता है. तो सवाल है कि ये जो सेंटर है अफ्रीकन सेंटर, इसको शुरू किसने किया? तो ऑफकोर्स मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इटली. रेलवे करंट अफेयर, वेल कंटिन्यूटी अब आपको बनी रहेगी. अब आपको एक स्टडी प्लान दे दिया गया है एंड कल से उसी पर हम फॉलो किया करेंगे, ठीक है? तो वो बिल्कुल भी आप परेशान ना रहें. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे. द अफ्रीका सेंटर, हाँ ये ऑलरेडी हो चुका. सवाल है अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन द FAO, दैट इज फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. सवाल है कि ये आपका कहाँ पर है? एंड द आंसर देखिए मैंने दे भी दिया आपको, इट इज बेसिकली इन रोम. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which of the following state government has launched a special scheme to curb infant deaths? Curb infant deaths under which baby care kits will be distributed to the children born in primary health centers and government hospitals? सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि इनमें से कौन सी राज्य सरकार ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत जो नवजात शिशु की मौतें हैं या जो बेबी केयर किट्स जो हैं उनको प्रोवाइड करने की बात है टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके लिए एक स्पेशल स्कीम दोस्तों लॉन्च हुई है. टू ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UP SSC और हु आर प्रिपेयरिंग फॉर LIC और SBI और SSC, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे सवाल आते हैं, स्टेट GK पे सवाल भर भर के बनेंगे, तो इसको भी एक बार देख लीजिए. 10 लोग भैया अब हो गए डिसलाइक करने वाले एंड मात्र 360 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है. तो वीडियो को अधिक से अधिक लोग लाइक करें बिकॉज दैट इज द वे फॉरवर्ड. चलिए इसका आंसर आपके सामने है ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में दोस्तों ये आपका सेंटर, ये स्कीम शुरू हुआ है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Scientists have developed an artificial pancreas smartphone that will help Dash. इनमें से एक pancreas smartphone app launch किया है scientists ने. इससे इनमें से किन patients को, किन मरीजों को दोस्तों फ़ायदा पहुँचेगा? वेल वो मरीजों के नाम जो हैं वो हैं डायबिटीज़. जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उससे इस pancreas smartphone app का फ़ायदा होगा. The World Leprosy Eradication Day is observed every year on which of the following dates? इनमें से किस तारीख को आपका World Leprosy Day दोस्तों आपका ऑब्जर्व किया जाता है? And the answer is, it is option A, that is the 30th of January. 30 जनवरी को दोस्तों आपका विश्व लेप्रेसी इराडिकेशन डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है. Now guys, 20 सवाल हो गए हैं तो आउट ऑफ 20 व्हाट इज़ योर स्कोर कार्ड? अगर 20 में आपके 17 भी, इफ 18 आपके सही हैं तो आप बेहतरीन काम करें. अगर 19 सही हैं तो यू आर सुपर डुपर बिकॉज 19 इज़ अ वेरी गुड नंबर गाइस. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं अगले सवाल पर. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रसी डे? जो अभी हाल ही में गुजरा आपका लेप्रसी डे, उसका दोस्तों थीम यहाँ पर क्या था? फॉरएवर फ्री एंड हेल्दी, Ending stigma and discrimination forever, a girl is flower not a thorn, ending discrimination, stigma and prejudice, reduce the illness and related deaths. क्या था थीम आपके वर्ल्ड लेप्रेसी डे का? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा एंड प्रेजुडिस. नाउ गाइज आपको यहाँ पर दो चीज़ याद रखनी है. पहला तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दी डेट किस दिन आपका पड़ता है, एंड सेकेंड आपको जो थीम है इस बार के लेप्रेसी डे का उसको भी याद रखना. दोनों ही सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने. The central banks of Dash and Dash have launched a common digital currency which will be used in financial settlements between the two countries through blockchain and distributed ledger technologies. First of all, दोस्तों एक बार यहाँ पर वर्ड समझिएगा, जो वर्ड इंपॉर्टेंट आया है वो आया है आपका blockchain. देखिए blockchain जो है, blockchain is primarily a technology in which जो information है that is transferred
एंड स्टोर्ड इन ब्लॉक्स. देर इज नो मीडिएटर इन बिटवीन. एंड ये पर्सन ए से पर्सन बी को जानते हैं एंड इसकी इंफॉर्मेशन ए को है और दूसरी इंफॉर्मेशन सिर्फ बी को है, किसी और को इसकी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं है. सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इन विच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डेटा ट्रांसफर हैपन्स एंड दैट ट्रांसफर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटा डिजिटल ब्लॉक्स, उसे हम यहाँ पर ब्लॉकचेन कहते हैं. तो इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ यूएई एंड सऊदी अरेबिया. ये इसका यहाँ पर सही जवाब है. 14 लोग हो गए भैया, क्या बात है, मेरे 14 ऐसे लोग हैं हु आर डिसलाइकिंग द वीडियो. गुड, वेल डन सर, वेल डन. आपके पास जिंदगी में कुछ काम नहीं है डिसलाइक करने के अलावा, तो आप डिसलाइक कर रहे हैं. बाकी देर आर 450 पीपल हु हैव लाइक द वीडियो, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. वेल डन गाइस, वेल डन. चलिए आगे बढ़ें. द सेंट, हाँ आगे बढ़ते हैं. नेम द कॉमन डिजिटल करेंसी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ दिस गल्फ कंट्री. ये जो डिजिटल करेंसी है दोस्तों इसका नाम क्या है, इसका जवाब आपको देना है. देर इज खलीफा, देर इज गल्फ कॉइन, देर इज लिप कॉइन, देर इज पेथ्रो और देर इज एबर. क्या है इस डिजिटल करेंसी का जिसको कि इन दोनों ने यहाँ पर लॉन्च किया है. एंड द आंसर गाइस हियर इज इट इज एबर, ए बी ई आर. अगर आपको याद रखना है देर आर टू वर्ड्स, देर इज ऊबर एंड देर इज एबर. सो ऊबर से एबर बना, तो एबर याद करिएगा. अगर आपको ऊबर भी याद है तो भी याद रहेगा, पर एबर यहाँ पर इसका सही आंसर है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपके सामने. As per the Reserve Bank of India, the foreign direct investment has increased 18% to rupees dash in FY18. सबसे पहले तो FDI की बात कर लेते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं FDI के बारे में. First of all, let's have Donald Trump or let's have Apple. Either or both. अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया किसी इंडियन कंपनी में ऑफ मोर देन 10% ऑफ द कंपनी शेयर, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे हम एफडीआई कहेंगे. और यही इन्वेस्टमेंट आपका लेस देन है तो इसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहेंगे. तो देयर आर टू आंसर्स, वन इज़ एफडीआई एंड द अदर वन इज़ एफआईआई. दोनों में काफ़ी आपका अंतर है यहाँ पर याद करने के लिए. ठीक है, तो जो आपका एफडीआई है वो अब आपका बढ़ के हो गया है 28.25 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2018. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने है. इज़राइल Aerospace Industries has announced an entering into an agreement of Dash for providing naval medium-range surface-to-air missile systems to India. कितने राशि के वर्थ के आपके जो medium range या फिर naval medium range surface-to-air missiles हैं उसको Israel India को देगा. And the answer is it is ऑप्शन डी, दैट इज़ $93 million. वो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर है, इतना अमाउंट का वो यहाँ पर फंडिंग करेगा. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC? NCC के नए डायरेक्टर जनरल इनमें से किसे हाल ही बनाया गया. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है इसका, और इसका आंसर आपके सामने है राजीव चोपड़ा. NCC को हम नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी कहते हैं, और उसके जो नए आपके डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है राजीव चोपड़ा. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और द DAC विच इज लेड बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिसिज निर्मला सीतारमन हैज अप्रूव्ड इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन्स वर्थ हाउ मच करोड़. कितने अमाउंट की लागत पर 6 सबमरीन्स भारत बनाएगा. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ 40,000 करोड़. मुझे पता है आप में से कई लोगों को इसका आंसर नहीं आता है, पर अगर आपने डेली बेसिस पर द मॉर्निंग शो देखा होता, द मॉर्निंग करंट अफेयर शो एट 8 AM एंड ऑल्सो यू हैव रेड द डेली जी के अपडेट फ्रॉम बैंकर्स अड्डा, आपको ये सवाल निहायत ही आसान लगते. सो अगर आपने वो नहीं देखा है या ये सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आपका ही लॉस है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. चल नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. नेम द 3 बैंक्स विच हैव बीन अलाउड टू एग्जिट द PCA फ्रेमवर्क फुली. इनमें से वो आपका 3 बैंक कौन से हैं जिन्हें PCA के अंडर दोस्त से हटाया गया है. एंड इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने है दैट इज़ बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये बिल्कुल यहाँ पर आपका सही जवाब है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पीसीए की बात करें, आई हैव डिस्कस दिस टाइम एंड अगेन, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में कभी ना कभी आ जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ पीसीए गाइस इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पीसीए इज बेसिकली अ डायरेक्ट एक्शन टेकन बाय द आरबीआई ऑन बैंक्स हु वायोलेट थ्री पैरामीटर्स, CRAR, NPA एंड रिटर्न ऑन असेट। अब ये क्या होता है इसको डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज टाइम बीत जाएगा, पर अगर इन तीनों में से कोई भी पैरामीटर आपका एक बैंक ब्रेक करता है तो उस पर क्या लगता है, उस पर पीसी लगता है। अब पीसी जब लग जाता है देन ईदर दे कैन स्टॉप हायरिंग, स्टॉप लोन्स, रिड्यूस कमीशन, रिड्यूस डिपॉजिट्स एंड अदर्स, मतलब कई तरह के काम आपके इसके हो सकते हैं, तो ये सारे काम वो कर सकता है। सो पीसीए का जो है उसमें अब ये तीन बैंक आपके नहीं आते, ठीक है। जो सवाल आपके एग्जाम में आया है दैट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। वैभव तिवारी, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, ईदर आई विल ब्लॉक यू इन द नेक्स्ट टू मिनट्स, और अगर आपने ये बदतमीजी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है तो कहीं और जाके करिए। बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर ऐसी बदतमीजी अलाउड होती है बट यहाँ पर अलाउड नहीं होती। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन डिसम्बर द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ रुपीज़ डैश फॉर बैंक ऑफ इंडिया, कितने अमाउंट आपके बैंक ऑफ इंडिया में इन्फ्यूज़ करने की बात सरकार ने यहाँ पर कही है। इज इट 4,500 करोड़, इज इट 18,000 करोड़, इज इट 37,500 करोड़, इज इट 41,000 करोड़, इज इट 10,000 करोड़, कितना अमाउंट दोस्तों यहाँ पर फंड करने की बात सरकार ने कही है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन ई, दैट इज 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ पर फंड करने की बात कही है इन बैंक ऑफ इंडिया। माय क्वेश्चन नाउ हियर इज दैट हु इज द MD एंड CEO ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक एंड इस बैंक के हेडक्वार्टर्स कौन, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। कितने लोग को लगता है मैं स्पीड शो की बढ़ाऊँ, बिकॉज मैं आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आराम से यहां पर डिस्कशन मिलता रहे। चल नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड अ सुविधा, अ किसान सुविधा लोन फॉर स्मॉल एंड मार्जिन फार्म, इनमें से किसने आपका किसान सुविधा लोन दोस्तों ऑफर किया है टू स्मॉल मार्जिन फार्मर्स, इनमें से वो कौन सा बैंक है। देखिए एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आज शो के बाद आपको इन सब के हेडक्वार्टर्स याद करने हैं बिकॉज इनके हेडक्वार्टर्स आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। सो इनके हेडक्वार्टर्स तो आपको पढ़ने ही हैं और इसका सवाल का आपको आंसर भी करना है, प्लीज़ पढ़िएगा बिकॉज ये बहुत बहुत ही रेलिवेंट है दोस्तों। इसका जो आंसर आपके सामने है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर इसने ही लॉन्च किया है किसान सुविधा लोन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो लोग नहीं जानते हैं स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात करें, अगर एक किसान के पास इफ द लैंड इज लेस देन 1 hectare ही विल बी कॉल्ड एज अ मार्जिन फार्मर। स्मॉल फार्मर क्या होंगे, जिनके पास जो लैंड है दैट इज बिटवीन 1 to 2 hectare, जिनके पास एक से कम है वो है मार्जिनल फार्मर, जिनके पास एक से ज़्यादा 2 से कम है उनके पास आप वो हैं आपके स्मॉल फार्मर्स। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म नाइट स्टे अ लास्ट मिनट होटल बुकिंग ऐप हैज़ बीन रिसेंटली अक्वायर्ड, इनमें से किस कंपनी ने, किस वेबसाइट ने या कंपनी ने या स्टार्टअप ने बेसिकली आपका नाइट स्टे एक ऐप लॉन्च किया है जिससे कि लास्ट मिनट होटल बुकिंग ऐप होती है वो उसका फ़ायदा होता है। इज इट पेटीएम, ओयो, मेक माई ट्रिप, ट्रिवैगो और ट्रिप एडवाइजर। वेल द आंसर हियर इज इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ पेटीएम। पेटीएम ने दोस्तों इसको अक्वायर किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
What amount has been allocated to the railways as per the interim budget 2019? अभी जो हाल ही में आपका अंतरिम बजट आया था, that was presented by honorable ad hoc finance minister पीयूष गोयल ने, उसमें कितनी फंडिंग दी गई है टू द इंडियन रेलवेज? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 64,587 करोड़. इतनी फंडिंग दोस्तों यहाँ पर इसको दे दी गई है. बिल्कुल यहाँ पर ये सही आंसर है. ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ रूरल डेवलपमेंट स्कीम स्मार्ट विलेज कैंपेन वर्थ ₹384.4 करोड़ टू सप्लीमेंट द ऑनगोइंग वर्क्स टू बिल्ड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड एसेंशियल एम्यूनिटीज़. इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने की स्मार्ट विलेज कैंपेन दोस्तों लॉन्च किया है, जिससे कि 384.40 करोड़ रुपये का जो एक सप्लीमेंट होता है टू बिल्ड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको यहाँ पर दोस्तों दिया जाता है. इज इट महाराष्ट्र, इज इट पंजाब, इज इट कर्नाटका, इज इट गोवा और इज इट मध्य प्रदेश. एंड द आंसर इज, ये जो कैंपेन आपका है ये पंजाब में शुरू हुआ है, जहाँ पर दे आर गोइंग टू बिल्ड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज लाइक बाथरूम्स, लाइक ड्रिंकिंग वाटर एसेट्रा. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. The UN has announced 2019 as the international year of what? इनमें से किस टॉपिक को इस साल का इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है? एंड द आंसर इज, इट इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज इसको अब काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों, एंड इस वजह से इसको दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया गया है. इसकी एनिवर्सरी भी इस साल मनाई गई पीरियोडिक टेबल की, इस वजह से भी इसको लॉन्च किया गया है. The government has constituted a committee under the Central Electricity Authority to explore prepaid instruments payments by state electricity distribution companies to power plants. इस कमिटी, ये जो आपका एक कदम है, इसको किसके रिकमेंडेशंस पर दोस्तों किया गया है? इज इट विरल आचार्य, आपके सामने देखिए पांच ऑप्शन भी हैं कि किसके बेसिस पर ये कमिटी बनी है. एंड द आंसर इज, इट इज पी के सिन्हा, इन्होंने ही रिकमेंड किया था फॉर दिस. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which of the following team has won the regatta trophy in the Kochi area pulling regatta 2019 of the Southern Naval Command? इनमें से वो कौन सी टीम है जिसने की regatta trophy जीती है कोचिंग एरिया पुलिंग regatta 2019 में, जो कि सदर्न कमांड का होता है. आपके सामने देखिए उन ships के नाम भी हैं जिसने, जो कि इसके विनर रह चुके होंगे. वेल द आंसर इज, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज INS, दैट इज इंडियन नेवल शिप द्रोणाचार्य, इसने जीता है द रेगेटा ट्रॉफी. यहाँ पर देखिए दो सवाल बनेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट रेगेटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच आर्म्ड फोर्सेज, द आंसर विल बी इंडियन नेवी. एंड सेकेंड सवाल बनेगा, रेगेटा ट्रॉफी हैज़ बीन वन बाय, तो उसका आंसर होगा आपका INS द्रोणाचार्य. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. हितेन भाया पास्ड अवे इन दिल्ली. He was a former planning commission member and the ex-director of which of the following IIMs or prestigious institutions? इनमें से किस संस्थान के वो former director भी थे? आपके सामने देखिए पांच ऑप्शन भी हैं. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकटा. इसके ये एक्स डायरेक्टर भी थी, इनका दोस्तों देहांत हो गया. मैं रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, ऑबिचुरीज में कोई भी लॉजिक काम नहीं करता है. वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, ऑबिचुरी कैन बी आस्क्ड इन एनी सेगमेंट. सो इन पे भी सवाल आपका बन सकता है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. कोई भी ऑबिचुरी है, इवन इफ इट इज रिगार्डिंग एन एक्टर ऑफ हॉलीवुड और इफ़ इट इज़ रिगार्डिंग एन एक्टर हु वॉज अ वेरी स्मॉल टाइम एक्टर, फॉर एग्जाम्पल महेश आनंद, वो विलन का रोल प्ले करते थे, उन पे भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द 2nd of February. सवाल यहाँ पर एक और बनेगा इसी का, कि वॉट वॉज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन बी, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज. नाउ गाइस, वेटलैंड्स आर बेसिकली एरियाज विच आर फर्टाइल, विच हुज सॉइल इज नॉट रिजिड, दे आर रिच इन फ्लोरा एंड फौना. The biodiversity factor in these areas is humongous and India में इसके कई सारे, इंडिया फॉर एग्जाम्पल सुंदरबंस जो है, that can be called as a wetland itself. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं.
Who among the following has become the first Indian to grab the Australian Ladies PGA Tour in golf? इनमें से वो पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय कौन है जिन्होंने जीता है आपका ऑस्ट्रेलियन लेडीज PGA Tour? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ वाणी कपूर. इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है. दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज़ शेयर द वीडियो टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल. एंड जो लोग अभी कमेंट देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, जो भी जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Who among the following has been appointed the new ambassador of India to the Republic of Colombia? इनमें से किसे हाल ही में Republic of Colombia के लिए भारतीय राजदूत बनाया गया है? And the answer is it is option A, that is संजीव रंजन. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which of the following countries has defeated four-time champion Japan in the finals to win the first ever Asian Cup in football? इनमें से वो पहला देश कौन सा है जिसने कि चार टाइम के चैंपियन जापान को हराया है फाइनल्स में टू विन द फर्स्ट एवर एशिया कप इन फुटबॉल? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ई, दैट इज कतर. कतार या कतर वो देश है जिसने कि पहली, जिसने कि फोर टाइम चैंपियंस जापान को हराकर एशियन कप फुटबॉल जीता है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Who among the following has become the first woman cricketer to play 200 ODIs? इनमें से वो पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 200 से अधिक वनडे नेशनल्स अब खेल लिए हैं? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज इंडियाज फॉर्मर कैप्टन एंड लेजेंड इन वुमेन्स क्रिकेट मिताली राज. इन्होंने 200 के ऊपर वनडेज खेल लिए हैं. Yes Bank senior group president and head of retail and business banking dash resigned from his post. Yes Bank की बात करें तो कई तरह के यहाँ पर आपके changes आते रहते हैं. सवाल है कि कौन से उनके senior president हैं जिन्होंने resign किया है? And the answer is it is option B, that is प्रलय मुंडा. Next सवाल पे आते हैं. According to Fish Solutions, the projected government fiscal deficit will overshoot the budget target by 0.2% to dash of GDP in 2019. इस साल 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो फिस्कल डेफिसिट है वो दोस्तों आपका कितना रहने वाला है, ये सवाल मेरा आपके साथ है कि व्हाट विल बी द फिस्कल डेफिसिट टारगेट. गाइस सबसे पहले तो देखिए फिस्कल डेफिसिट का आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है. देखिए फिस्कल डेफिसिट का जो फुल फॉर्म है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर प्लस बोरोइंग्स माइनस टोटल इनकम. अच्छा, यहाँ बोरिंग को अगर आपको कोई मिलेगा फैकल्टी ऑफलाइन बोलेगा सर ये गलत है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल बोरोइंग. ठीक है, पर इसको जो लोग को याद रखना है उसको भूल जाए, पर ये आपका फॉर्मूला बनेगा. तो अकॉर्डिंग टू देम इट विल बी एट 3.6% ऑफ GDP. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ऑक्यूपाइड द टॉप स्लॉट इन द रैंकिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय स्टेट्स इन द बजट फॉर्मुलेशन एज पर द सर्वे ऑफ बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने कि टॉप रैंक हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ बजट फॉर्मुलेशन? And the answer is it is option C, that is Assam. एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी US की, ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंटरनेशनल, का नाम है ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल, वो दोस्तों उसने इसको शुरू किया. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which of the following state has become the first state to set up a price monitoring and research unit to track violation of prices of essential drugs and medical devices? इनमें से वो राज्य कौन सा है जो पहला राज्य बना है जिसने कि एक price monitoring and research unit दोस्तों स्थापित की है for essential drugs and medical devices? And the answer is it is option B, that is Kerala. Kerala में दोस्तों आपका ये start हुआ है. Next सवाल पे आते हैं. In which of the following city a 6-day-long music festival has been launched which will encourage young artists to take up traditional art took place? इनमें से कहां पर आपका एक 6-दिवसीय म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल हुआ जिसका नाम है सोपान 2019? यहां सवाल मेरा आपसे, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज न्यू दिल्ली में आपका दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस हुआ था. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which of the following city has hosted the Kala Ghoda festival which is India's largest multicultural street festival? इनमें से किस जगह, किस सिटी में आपका काला घोड़ा फेस्टिवल होता है जो कि भारत का सबसे बड़ा मल्टीपल कल्चर्स का एक स्ट्रीट फेस्टिवल है? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज मुंबई. मुंबई में आपका यह हुआ. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं.
हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स विल बी मर्ज्ड टू फॉर्म द तमिलनाडु ग्रामा बैंक एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर नोटिफिकेशन. कितने बैंक से मिलकर आपका तमिलनाडु का ग्रामा बैंक ग्रामीण बैंक बनेगा. एंड द आंसर इज टू. तो संख्या जो आपकी हो जाएगी दैट विल बी 54 फॉर द रीजनल रूरल बैंक. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Who has been appointed as the chief executive officer of the corporation bank? In May से हाल ही में किसे corporation bank का मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों बनाया गया. Is it PV भारती, is it शिखा शर्मा, is it पल्लव मोहपात्रा, is it J परिक्रस्वामी, is it कर्णम शंकर. किसे बनाया गया दोस्तों. एंड द आंसर इज इट इज PV भारती या PV भारती जिसे ये बनाया गया है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. The Asian Development Bank has bought a 14% stake in Microfinancial Dash for worth rupees 137 crore. Well, अगर हम बात करें ADB की तो ADB is basically a multi development organization. ठीक है. इसके हेडक्वार्टर्स आपके जो हैं वो मनीला फिलीपींस में हैं और ये काफ़ी सिमिलर है आपका टू वर्ल्ड बैंक. ठीक है दोस्तों. इसका जो आंसर आपके साथ और ये अगर मैं सही हूँ तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1966. चेक कर लीजिएगा पर ये तब से आपका स्टार्ट हुआ है. एंड दोस्तों इसका जो आपके सामने आंसर है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज अन्नपूर्णा फाइनेंस. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. In which of the following state has the ISRO unveiled its human space flight center which will be used for its manned space mission Gaganyaan. Gaganyaan mission ke liye in mein se kis state, kis particular state mein ek human space research center ya human space flight center banaya kiya hai jisse ki help kiya jayega for the manned mission that is Gaganyaan. And the answer of this question is it is option C that is Karnataka. Now guys Gaganyaan ki agar hum yahan par baat karen, if we focus on गगनयान पर से तो गगनयान आपका 2022 में दोस्तों आपका बनेगा. इससे पहले दो मिशंस आपके ऑलरेडी जाएंगे एंड इसमें करीब एक हफ्ते के लिए फ्रॉम 7-10 डेज रहना पड़ेगा एंड इसके लिए एयरफोर्स पायलट्स को चुना भी जाएगा. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप Kint.io was acquired by which of the following? इनमें से किसकी एक्वीहायरिंग की थी बाय सॉरी इनमें से किसने एक्वीहायरिंग किया है Kint.io को. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज स्विगी. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Who among the following has become the top ranked batter in women's ODI cricket as per the latest rankings released by the ICC in February? इनमें से वो कौन आपकी top ranked batter बन गई हैं women's के ODI cricket में? And the answer is it is option D that is Smriti Mandhana. ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Monaco is ranked dash among the foreign direct investors in India since April 2000 to June 2018. इनमें से Monaco की रैंक कौन सी है in terms of FDI in India? And the answer is it is option D that is 106th. Next सवाल पे आते हैं. Who has been appointed as the next ambassador of India to Argentina? इनमें से Argentina के लिए भारतीय राजदूत इनमें से किसे बनाया गया है? And the answer is it is option E that is the Dinesh Bhatia. इन्हें दोस्तों बनाया गया है the next ambassador to Argentina. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Who among the following Indian squash player has won the Seattle Open a PSA Challenger squash tournament? इनमें से कौन वो आपके Indian squash player हैं जिन्हें Seattle Open जिन्होंने जीता है जो कि एक squash का event है. यहाँ पर सारे नाम जो हैं आपके squash players के ही हैं. And the answer is it is option B that is Ramit Tandon. इनको दोस्तों इन्होंने जीता है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Who among the following has been appointed as the next ambassador of India to Republic of Colombia? इनमें से किसे हाल ही में Republic of Colombia के अगले भारतीय राजदूत बनाया गया है? And the answer is option C. आसान सवाल. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which of the following firm has been selected as the winner of the मिनी रत्ना कैटेगरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? कौन सी वो दोस्तों कंपनी है जिसने की विनर है आपकी इस कैटेगरी में? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. एक सवाल पे आते हैं. Which state government has announced a high-powered 5-member committee to prepare a comprehensive action plan to boost the dairy sector with the aim of supplementing the income of farmers in a result-oriented manner? इनमें से वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने की एक 5 members का high-powered committee दोस्तों बनाया है जिसका main role है आपका to boost the dairy sector and also to supplement the income of farmers in a result-oriented manner? कौन है दोस्तों वो state
स्टेट गवर्नमेंट एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज पंजाब. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. India's Dash communication satellite GSAT-31 has been launched successfully from French Guiana. इनमें से कौन सी वो भारतीय communication satellite है जिसको कि GSAT-31 ने दोस्तों लॉन्च किया. उसका नाम GSAT-31 है. सवाल मेरा है कि कौन से नंबर की दोस्तों आपकी ये communication satellite है. एंड द आंसर इज इट इज़ द 40th communication satellite. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. शहरी समृद्धि उत्सव इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज. इनमें से कौन से मंत्रालय ने हाल ही में एक शहरी समृद्धि उत्सव लॉन्च किया है. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ई दैट इज MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट. उसने दोस्तों इसको लॉन्च किया. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों. मैं रिपीट कर रहा हूँ वीडियो को, आप लोग लाइक कीजिए. अभी 650 लाइक्स हैं. आई वॉन्ट इट टू रीच 1000 लाइक्स. एंड जो लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते रहिए. एंड इस वीडियो पे लगातार 500 लोग बने रहिए. India's communication satellite GSAT-31 was launched successfully from French Guiana. इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को किस रॉकेट ने लिफ्ट किया इन द आउटर स्पेस. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉकेट. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज Ariane 5. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which of the following players has hammered the fastest 50 for India in the women's T20? इनमें से वो कौन सी भूतपूर्व कौन सी वो खिलाड़ी हैं भारतीय जिन्होंने fastest 50 बनाया है women's के T20s में. And the answer is it is who else but option B that is Smriti Mandhana. Next सवाल पे आते हैं. Who among the following has been honored with the freedom of the city of London by the city of London corporation. इनमें से किसे freedom of the city of London award दिया गया है. And the answer is it is option E that is Sanjeev Chatterjee. Next सवाल पे आते हैं. Indian Bank Association has issued advisory requesting banks to waive off the processing, documentation, inspection and all other service charges for Kisan Credit Card and crop loans up to how much lakhs. जितने भी आपके loans हैं, जितने भी आपके credits हैं for Kisan Credit Card, चाहे उनका documentation का charge हो, चाहे inspection का हो, कितने amount तक के credit card loans पर on Kisan Credit Card आपको ये छूट मिलेगी. And the answer is, it is option C, that is 3 lakhs. Next सवाल पे आते हैं. As per the government of India's data, the national sanitation coverage is now dashed compared to 9% in 2014. अब जो राष्ट्रीय स्वच्छता का एक कवरेज है वो दोस्तों अब आपका कितना हो गया है 39% से. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ई दैट इज 98%. मतलब 98% अगर हम सरकार की बात माने तो भारतीय जो कवरेज है क्लिनेस का वो आपका इतना हो गया है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. 2019 एशिया एलपीजी समिट दैट फोकसेस ऑन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द सेगमेंट एंड ऑल्सो फोकसेस ऑन वेरियस सस्टेनेबल गैसेस. सवाल है इसका आंसर आपके सामने है ऑप्शन बी दैट इज इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which of the following country has signed an accord to join NATO or NATO to become the 30th member of the US-led alliance? इनमें से वो देश कौन सा है जिसने कि NATO को join करने की बात की है और ये इस alliance का 30th member बना है. It is option D that is Macedonia. Next सवाल पे आते हैं. India and Dash have joined hands for the cooperation on water and waste management. भारत और किसके बीच आपका जो एक गठजोड़ हुआ है for cooperation on water waste management. And the answer is इसका आंसर आपके सामने है option D that is Germany आपका यहाँ पर है. अच्छा आज से हमारी क्लासेस शुरू हुई different. For example अगर आपको देखना है बैंक इंश्योरेंस को this is a channel. SSC रेलवेज के चैनल हमारा अलग है एंड आपका अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हमारा चैनल है. चलिए एक सवाल पे आते हैं. Which of the following state has set up a committee to review various schemes being implemented for the welfare of tribals in the state? इनमें से कौन से राज्य में आपका एक कमिटी बनी है जो कि रिव्यू करेगी वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स का. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में दोस्तों इसका वेलफेयर किया जाएगा. सवाल पे आते हैं. शोभा कोसर हैज वन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड. शी इज अ नोटेड डैश. इनमें से कौन आपके एक डैश. एक बार मेरे को म्यूट कर दीजिएगा और जरा स्क्रीन हटा दीजिएगा मुझे जरा. सवाल है कि ये कौन एक नोटेड क्या है. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज कथक डांसर.
The Reserve Bank of India has slapped a dash fine on Syndicate Bank and dash on Axis Bank for violating norms. In mein se kiske saath ek fine lagaya hai aapke Reserve Bank of India ne? Is it 1 crore? Is it 20 lakh? Kitna fine lagaya hai aapko Syndicate Bank pe aur Axis Bank pe? And the answer is, it is option A, that is 1 crore and 20 lakh. 1 crore ka fine hai, saath saath 20 lakh ka fine. 1 crore fine lagaya gaya hai Syndicate Bank pe and 20 lakh ka fine lagaya gaya hai on Axis Bank for violating norms. Next sawal pe aate hain. आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज बीन लॉन्च्ड जरा एक बार म्यूट कर दीजिए, एक बार मेरे को हटा दे स्क्रीन से. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, का आंसर आपके सामने है ऑप्शन ए, दैट इज इंदु भूषण. यहाँ इस योजना को दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया गया है एंड इस योजना का एंड इसके सीईओ जो हैं वो हैं इंदु भूषण ऑफ द पीएमजे. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which of the following payment banks has announced the launch of sweep account facility in association with Saryoday Small Finance Bank? कौन सा बैंक के साथ मिलकर, कौन सा पेमेंट बैंक के साथ मिलकर एक स्वीप अकाउंट फैसिलिटी बनाई गई है सो दैट द अकाउंट कैन बी मैनेज्ड एंड वहाँ से पैसे पूरे आपके ट्रांसफर हो सकते हैं? द आंसर इज, इट इज़ फिनो पेमेंट बैंक. सवाल पे आते हैं. Who among the following has been appointed as the civil aviation secretary? इनमें से किसे हाल ही में नागरिक उड्डयन सचिव दोस्तों बनाया गया है? एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रदीप सिंह खरोला. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. What is the policy rate of repo as per the latest monetary policy? जो sixth monetary policy review आया था उसमें repo rate कितना रखा गया है? And the answer is, it is 6.25%. Next सवाल पे आते हैं. What is the marginal standing facility? MSF इसी में क्या रखा गया है? It is 6.5. तो 0.25 ज़्यादा रहेगा. 6.25 आपका repo है, 6.5 आपका reverse, आपका MSF है और reverse repo आपका 6% है. Name the longest serving congressman in the US history who has passed away at the age of 92. इनमें से सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले कांग्रेसमैन कौन है US हिस्ट्री में जिनका देहांत दोस्तों हो गया 92 वर्ष की उम्र में? एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज जॉन डिंगल. जॉन डिंगल यहाँ पर इनका सही नाम है. दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बिल्कुल ये सही आंसर आप सबके सब यहाँ पर दे रहे हैं. दोस्तों इसका जो पीडीएफ, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए उस पीडीएफ का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ. दैट पीडीएफ लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ. वहाँ पर इसका लिंक दोस्तों अवेलेबल है. वन सेकेंड, दिस इज़ माय ग्रुप. यहाँ पर जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. ये रहा वो लिंक, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा. इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडिया, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज, इट इज 36. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय चेन्नई पुलिस दैट विल ट्रैक द स्टेटस ऑफ स्टोलन टू व्हीकल्स एंड सेल फोन्स. एक ऐसी ऐप लॉन्च की है हमारी चेन्नई पुलिस ने जिससे कि जो स्टोलन व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं या फिर जो आपके मोबाइल फोन है उसको ट्रैक कर सकते हैं. एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन ई, दैट इज डिजी कॉम. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Who among the following has notched up a gold medal at the EGAT Cup in Thailand? इनमें से किसे हाल ही में मिला है गोल्ड मेडल एट द EGAT Cup in Thailand? Basically, she has won it in that category. And the answer is, it is option A, that is मीरा बाई चानू. एक सवाल पे आते हैं. द फिफ्थ इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. इनमें से किस शहर में आपका पांचवा इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कंसल्टेटिव मीटिंग आपका हुआ था? एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन ई, दैट इज न्यू दिल्ली. यहाँ पर दोस्तों आपकी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द US इंडिया CEO फोरम विल बी हेल्ड इन डैश ऑन फेब्रुअरी 14. इनमें से कहाँ पर जो पहली आपकी US इंडिया CEO फोरम मीटिंग है वो आपकी हुई? एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज न्यू दिल्ली. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Prime Minister Narendra Modi has launched a new channel, a 24/7 satellite channel for Arunachal Pradesh. What is the name of that particular new channel, guys? And the answer is, it is option E, that is DD Arun Prabha. Isko unhone launch kiya hai and ye second aapka northeast ka ek state channel hai. Next sawal pe aate hain. In Meghalaya, cabinet has decided to rename the Dikibandi stadium in the name of whom? इनमें से किसके नाम पे आपका दिकीबंदी स्टेडियम का नाम रखा गया है? इट इज ऑप्शन बी, दैट इज PSN. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. अ थ्री डे कृषि कुंभ वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन
कुंभ की बात नहीं करें, हम बात करें कृषि कुंभ की. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज बिहार. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन इंडिया हैज साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर ऑफ विच कंट्री टू एस्टैब्लिश अ मरीन पॉल्यूशन इनिशिएटिव. इनमें से किस देश के साथ भारत ने मरीन पॉल्यूशन के लिए एक योजना पे हस्ताक्षर किए हैं. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्वे. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. महेश आनंद ये क्या थे, बहुत आसान सवाल है, ये एक फेमस एक्टर थे. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. द थर्ड एडिशन ऑफ द सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स वर हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर आपके चैंपियनशिप दोस्तों हुए थे. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज गुवाहाटी. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 11th of February. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Union Environment Minister Dr. Harshvardhan announced the dash as the mascot of 13th Conference of Parties of the UN Convention on Conservation of Migrant Species. And the asan sawal hai, the 7th session of the World Government Summit was held in kahan par aapka summit hua tha. And the answer is it is option A, that is Dubai, UAE. Next sawal pe aate. Who among the following has become the third Indian player to break into the top 100 rankings of men's singles? Bharat ki taraf se teesre wo bhartiya khiladi kaun hai jinhone top 100 players mein dosto jo aaye hain. And the answer is it is option E, that is Prajnesh Guneswaram. At which of the following places a foundation stone of Sri Krishna Ayush University was laid? Mr. Modi, kahan par aapka ye aapka university bana hai, banne wala hai? It is option C, that is Kurukshetra. Next sawal pe aate hain. In which of the following country Lavasia hosted its first Lavasia Human Rights Conference? Kahan par aapka ye Lavasia Human Rights Conference hua tha? It is of course India. Sawal pe banega kiska theme kya tha? Iska jo theme tha dosto wo tha State Power, Business and Human Rights Contemporary Challenges. एंड नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. वेयर व्हाट वाज द थीम ऑफ द क्रीडाई यूथ कॉन फेस्टिवल. एंड द आंसर इज इट इज नेचर. एंड आते हैं सवाल पर. नीति आयोग ने इनमें से किसके साथ मिलकर आपका दे हैव डन अ डॉक्यूमेंट एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स इन पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया. भारत में जो पब्लिक स्कूल एजुकेशन है उसमें हेल्प करने के लिए किसके साथ अग्रीमेंट दोस्तों ने किया गया है. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज माइकल एंड सूजन डेल फाउंडेशन. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट वन. I'll come back tomorrow at the same time with part 2. कल हम फिर से इसके एक part 2 को लेके आएंगे आपके लिए, ताकि उसको भी आप कर पाएं. फिर हम will continue with our insurance and financial market sections. So please guys, वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक. इसका PDF इस मेरे ग्रुप पे अवेलेबल है. यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप एंड इस ग्रुप पे जाके आप इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच गाइज आने के लिए. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल. बाय गाइज, टेक केयर एंड पीस आउट.